ओम शांति। आज 9 मई 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है धारणा युक्त मुरली, जिसमें बाबा स्वयं की चेकिंग के लिए विशेष अटेंशन खिंचवाते हैं और उसके लिए बाबा कहे बच्चे अंतर्मुखता की धारणा कर स्वयं को देखते जाओ। खास करके ये बीमारी चेक करो कि किसी के नाम रूप की बीमारी में तो मैं फंसा नहीं हूं। अगर है तो उससे स्वयं को मुक्त करो। कभी भी बाबा की याद में बैठते हैं, अगर किसी के नाम रूप में बुद्धि लटकती है, बुद्धि भटकती है, तो बाबा कहे बाबा को सच सच सुना दो। सुनाने से क्षमा का सागर बाबा क्षमा कर देंगे। लेकिन फिर अंदर में यह दृढ़ संकल्प करना है कि दोबारा इस तरह की गलती हमसे न हो। तो बाबा कहे क्षमा प्राप्त हो जाती है। साथ ही साथ अपने ऊपर खबरदार रखना है और खबरदार रहते हुए हर कर्म करते जितना हो सके कोई भी प्रकार की आसक्ति, कोई भी प्रकार का लगाव अंदर में न हो, तब सहज ही इन बीमारियों के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, उससे मुक्त हो सकेंगे। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, कड़े ते कड़ी बीमारी है किसी के नाम रूप में फंसना। अंतर्मुखी बन इस बीमारी की जांच करो और इससे मुक्त बनो। आज की मुरली से प्रश्न है, नाम रूप की बीमारी को समाप्त करने की युक्ति क्या है? इससे नुकसान कौन कौन से होते हैं? उत्तर, नाम रूप की बीमारी को समाप्त करने के लिए एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखो। याद के समय बुद्धि भटकती है, बेधारी में जाती है, तो बाप को सच सच सुनाओ। सच बताने से बाप क्षमा कर देंगे। सर्जन से बीमारी को छिपाओ नहीं। बाबा को सुनाने से खबरदार हो जाएंगे। बुद्धि किसी के नाम रूप में लटकी हुई है तो बाप से बुद्धि जुट नहीं सकती। वह सर्विस के बजाय डिससर्विस करते हैं, बाप की निंदा कराते हैं। ऐसे निंदक बहुत कड़ी सजा के भागी बनते हैं। ओम शांति। अभी बच्चे जानते हैं कि हर एक को वर्षा मिलना है बाप से, भाई को भाई से कभी वर्षा नहीं मिलता, और फिर भाई व बहन जो भी है उनको हर एक की अवस्था का पता नहीं पड़ता है। जितना बाबा हर एक बच्चे की अवस्था को जानते हैं, भाई व बहन को हर एक की अवस्था का पता नहीं पड़ता है। सब समाचार बाप दादा के पास आते हैं। यह है प्रैक्टिकल में। हर एक को अपने को देखना है कि मैं कहां तक याद करता हूं, कोई के नाम रूप में कहां तक फंसा हुआ हूं, हमारी आत्मा की वृत्ति कहां कहां तक जाती है। बाबा कहे स्वयं में ये जांच करो, हमारी वृत्ति कहां कहां तक जाती है। आत्मा खुद जानती है, अपने को आत्मा ही समझना पड़े। हमारी वृत्ति एक शिव बाबा के तरफ जाती है या और कोई के नाम रूप तरफ जाती है। जितना हो सके अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करना है और सब भूलते जाना है। अपने दिल से पूछना है कि हमारे दिल सिवाय बाप के और कहां भटकती तो नहीं है। कहीं धंधे धोरी में या घर गृहस्थ
मित्र संबंधियों आदि तरफ बुद्धि जाती तो नहीं है, अंतर्मुखी होकर जांच करनी है। जब यहां आकर बैठते हो तो अपनी जांच करनी है। यहां कोई ना कोई सामने योग में बैठते हैं, वह भी शिव बाबा को ही याद करते होंगे, ऐसे नहीं अपने बच्चों को याद करते होंगे। याद तो शिव बाबा को ही करना है, यहां बैठे ही शिव बाबा की याद में हो। क्लास में जब सुबह सुबह आते हैं, बाबा की याद में बैठते हैं, तो बाबा कहे बुद्धि और तरफ नहीं जानी चाहिए। फिर चाहे कोई आंख खोल कर बैठे हैं, वह आंख बंद करके बैठे हैं, यह तो बुद्धि से समझ की बात है। अपने दिल से पूछना होता है, बाबा क्या समझाते हैं, हमको तो याद करना है एक को। अंदर ही अंदर ऐसे अपने आप से बातें करो कि बाबा क्या समझाते हैं, हमको तो याद करना है एक को। यहां जो बैठने वाले हैं वह तो एक शिव बाबा की ही याद में बैठे होंगे। बाबा कहे यहां जो बैठने वाले हैं वह तो एक शिव बाबा की ही याद में होंगे, तुमको नहीं देखेंगे क्योंकि उनको तो कोई की भी अवस्था का पता ही नहीं है। हर एक का समाचार बाप के पास आता है, वह जानते हैं कौन कौन बच्चे अच्छे हैं, जिनकी लाइन क्लियर है, जिनकी बुद्धि की लाइन क्लियर है, उनका और कहां भी बुद्धि योग नहीं जाता है। ऐसे भी होते हैं कोई का बुद्धि योग जाता है, ये भी बाबा जानते हैं। फिर मुरली सुनने से चेंज भी होते रहते हैं, फील करते हैं कि यह तो हमारी भूल है। बाबा की मुरली सुनते ही रियलाइजेशन होता है, तो फील करते हैं यह तो हमारी भूल है, हमारी दृष्टि वृत्ति बरोबर रॉन्ग थी, अब उनको राइट करना है, रॉन्ग वृत्ति को छोड़ देना है। ये बाप समझाते हैं, भाई भाई को नहीं समझा सकते, बाप ही देखते हैं इनकी वृत्ति दृष्टि कैसी है, बाप को ही सब दिल का हाल सुनाते हैं। योग में भी हरेक आत्मा बाबा को ही अपने दिल का हाल सुनाते हैं, शिव बाबा को बताते हैं तो दादा समझ जाते हैं। हर एक के सुनाने से देखने से भी समझते हैं, जब तक सुने नहीं तब तक उनको क्या पता कि ये क्या करते हैं। ब्रह्मा बाबा को भी नहीं पता पड़ता, एक्टिविटी से सर्विस से समझ जाते हैं। हाँ, ब्रह्मा बाबा एक्टिविटी और सर्विस से समझ जाते हैं कि इनको बहुत देह अभिमान है, इनको कम है, इनकी एक्टिविटी ठीक नहीं है, कोई ना कोई के नाम रूप में फंसा रहता है। बाबा पूछते हैं कोई के तरफ बुद्धि जाती है, कोई साफ बतलाते हैं, कोई कोई फिर नाम रूप में फंसे हुए ऐसे हैं जो बताते ही नहीं है, अपना ही नुकसान करते हैं। बाप को बतलाने से उनकी क्षमा होती है और फिर आगे के लिए भी संभाल करते हैं। जब भी रियलाइजेशन हो तो बाबा के कमरे में जाकर के बाबा को सच सच बताना है, तो बाबा कहे बहुत है जो अपनी वृत्ति सच नहीं बताते, लज्जा आती है। जैसे कोई उल्टा काम करते हैं तो सर्जन को बताते नहीं हैं, परंतु छिपाने से बीमारी और ही वृद्धि को पाएगी। यहां भी ऐसे है, इस तरह दुनिया में भी अगर किसी ने सर्जन के सामने अपनी बीमारी के विषय में कोई भी बात, कोई भी लक्षण छिपाए तो वह बीमारी वृद्धि को पाएगी। तो बाबा कहे यहां भी ऐसे है, बाप को बताने से हल्के हो जाते हैं, नहीं तो वह अंदर में रहने से भारी रहेंगे। बाप को सुनाने से फिर दोबारा ऐसे नहीं करेंगे, आगे के लिए अपने पर खबरदार भी रहेंगे।
बाकी बताएंगे नहीं तो वह वृद्धि को पाता रहेगा। आप जानते हैं ये सर्विसेबल बहुत है। क्वालिफिकेशन कैसी रहती है बाबा? हर एक बच्चे का सब कुछ जानते हैं आदि मध्यांत। सर्विसेबल बहुत है, क्वालिफिकेशन कैसी रहती है, सर्विस में भी कैसे रहते हैं, कोई के साथ लटके तो नहीं है। हर एक की जन्म पत्री को देखते हैं शिव बाबा, तो हर एक की जन्म पत्री को देखते हैं, फिर इतना उनसे लव रखते हैं, कशिश करते हैं। कोई तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, कभी भी कहां उन्हों का बुद्धि योग नहीं जाता। हाँ पहले जाता था, अब खबरदार है। बताते हैं बाबा अब मैं खबरदार हूं, आगे बहुत भूले करते थे। समझते हैं देह अभिमान में आने से भूले ही होगी, फिर पद तो भ्रष्ट हो जाएगा, बल्कि इसको पता नहीं पड़ता है। लेकिन बाबा कहे पद तो भ्रष्ट हो जाएगा, परंतु पद तो भ्रष्ट हो जाएगा ना, दिल की सफाई इसमें बहुत चाहिए। बाबा के साथ दिल की सफाई बहुत चाहिए, तब तो उच्च पद पाएंगे। उनकी बुद्धि में बहुत सफाई रहती है। जैसे इन लक्ष्मी नारायण की आत्मा में सफाई रहती है ना, तो बाबा कहे कोई कोई सर्विसेबल बच्चे दिल की बहुत अच्छी सफाई रखते हैं, बुद्धि भी बहुत सफाई वाली रहती है। जैसे कि इन लक्ष्मी नारायण की आत्मा में सफाई रहती है ना, तब तो ऊंच पद पाया। कोई कोई के लिए समझा जाता है इनके नाम रूप के तरफ वृत्ति है, देही अभिमानी होकर नहीं रहते हैं, इस कारण पद भी कम होता गया है, राजा से लेकर रंक तक। नंबरवार पद तो होता है ना, तो बाबा कहे ये क्यों होता है इसको भी समझना चाहिए, ये सारे पद अलग अलग क्यों है। नंबरवार तो जरूर बनते ही है, कलाएं कम होती ही रहती है। जो 16 कला संपूर्ण है वह फिर 14 कला में आ जाते हैं, ऐसे थोड़ा थोड़ा कम होते होते कलाएं उतरती तो जरूर है। 14 कला है तो भी अच्छा, फिर वाम मार्ग में उतरते हैं तो विकारी बन जाते हैं, आयु ही कम हो जाती है, फिर रजो तमो गुणी बनते जाते हैं, कम होते होते पुराने होते जाते हैं, आत्मा शरीर से पुरानी होती जाती है। यह सारा ज्ञान अभी तुम बच्चों में है, कैसे 16 कला से नीचे उतरते उतरते फिर मनुष्य बन जाते हैं। देवताओं की मत तो होती नहीं, बाप की मत मिली फिर 21 जन्म मत मिलने की दरकार ही नहीं रहती है। ये ईश्वरीय मत तुम्हारी 21 जन्म चलती है, फिर जब रावण राज्य होता है तो तुमको मत मिलती है रावण की। श्रीमत बाबा की ये ईश्वरीय मत 21 जन्म चलती है, फिर जैसे ही रावण राज्य शुरू होता है रावण की मत तुमको मिलती है। दिखाते भी है देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, और धर्म वालों की ऐसी बात नहीं होती है। देवता जब वाम मार्ग में जाते हैं तब और धर्म वाले आते हैं, इसलिए उनों के लिए ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आते ही वाम मार्ग में। बाप समझाते हैं बच्चे अभी तो तुम्हें वापस जाना है, ये पुरानी दुनिया है, ड्रामा में यह भी मेरा पार्ट है, बाबा का यह भी पार्ट है, पुरानी दुनिया को नया बनाना, यह भी तुम समझते हो। दुनिया के मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, तुम इतना समझाते हो फिर भी कोई अच्छी रुचि दिखाते हैं, कोई तो फिर अपनी ही मत देते हैं। यह लक्ष्मी नारायण जब थे तो पवित्रता सुख शांति सब थी, पवित्रता की ही मुख्य बात है।
मनुष्य को यह पता नहीं कि सतयुग में देवताएं पवित्र थे। मनुष्य कैसे समझे कि सतयुग में देवताएं पवित्र थे? वह तो समझते हैं देवताओं को भी बच्चे आदि हुए हैं, परंतु वहां योग बल से कैसे पैदाइश होती है ये किसको भी पता नहीं है। कहते हैं सारी आयु ही पवित्र रहेंगे तो फिर बच्चे आदि कैसे होंगे? उनको समझाना है इस समय पवित्र होने से फिर हम 21 जन्म पवित्र रहते हैं। गोया श्रीमत पर हम वॉइसलेस वर्ल्ड स्थापन कर रहे हैं। श्रीमत है ही बाप की, गायन भी है मनुष्य से देवता की एक करत न लागी वार। अभी सब मनुष्य है जो फिर देवता बनते हैं। अब श्रीमत पर हम डीटी गवर्नमेंट स्थापन कर रहे हैं, लेकिन डीटी गवर्नमेंट में इसमें प्यूरिटी तो बहुत मुख्य है। आत्मा को ही प्योर बनना है, आत्मा ही पत्थर बुद्धि बने हैं, एकदम क्लियर कर बताओ। बाबा कहे हर एक बात स्पष्ट करके बताओ। बाप ने ही सतयुगी डीटी गवर्नमेंट स्थापन की थी, जिसको पैराडाइज कहते हैं। मनुष्य को देवता बाप ने ही बनाया, मनुष्य को देवता किसी मनुष्य ने नहीं बाप ने बनाया। मनुष्य थे पतित, उनको पतित से पावन कैसे बनाया? बच्चों को कहा मामेकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। यह बात तुम किसको भी सुनाएंगे तो अंदर में लगेगा, अब पतित से पावन कैसे बनेंगे? रियलाइज होगा हम पतित है तो पावन कैसे बनेंगे, तो पूछेंगे। जरूर बाप को याद करना होगा और संग बुद्धि योग तोड़ एक संग जोड़ना है, तभी मनुष्य से देवता बन सकेंगे। ऐसे समझाना चाहिए। तुमने जो समझाया वह ड्रामा अनुसार बिल्कुल ठीक था। या तो समझते हैं फिर भी दिन प्रतिदिन पॉइंट्स मिलती रहती है समझाने लिए। बाबा रोज मुरली में नए नए तरीके से बात समझाते हैं कैसे किसी को समझाना चाहिए। मूल बात है ही कि हम पतित से पावन कैसे बने। बाप कहते दे के सभी धर्म छोड़ माम एकम याद करो। इस पुरुषोत्तम संगम युग को भी तुम बच्चे ही जानते हो। हम अभी ब्राह्मण बने हैं, प्रजा पिता ब्रह्मा की संतान। बाप हमको पढ़ाते हैं ब्राह्मण बनने बिगर हम देवता कैसे बनेंगे। बाबा कहे बिना ब्राह्मण बने देवता तो बन नहीं सकते। ये ब्रह्मा भी पूरे 84 जन्म लेते हैं, फिर इनको ही पहला नंबर लेना पड़ता है, बाप आकर प्रवेश करते हैं। तो मूल बात है ही एक, कौन सी? अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। देह अभिमान में आने से कहां न कहां लटकते रहते हैं। बाबा कहे जैसे ही देह अभिमान आया बुद्धि कहां न कहां लटकी रहती है। देही अभिमानी तो सब बन न सके, अपनी पूरी जांच करो हम कहां देह अभिमान में तो नहीं आते हैं। इसलिए बाबा बार बार अपनी चेकिंग के लिए कहते हैं हमसे कोई विकर्म तो नहीं होता है, बेकायदे चलन तो नहीं होती है, बहुतों से होती है। रिजल्ट भी बाबा सुना देते, बहुतों से होती है, वह अंत में बहुत सजा के भागी बनेंगे। बल अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, कर्मातीत अवस्था वाले के सब दुख दूर हो जाते हैं, सजाओं से छूट जाते हैं। ख्याल किया जाता है नंबरवार राजाएं बनते हैं। जरूर किसका कम पुरुषार्थ रहता है जिस कारण से सजा खानी पड़ती है। आत्मा ही गर्भ जेल में सजा भोगती है। आत्मा जब गर्भ में है तो कहती है
हमको बाहर निकालो, फिर हम पाप कर्म नहीं करेंगे। आत्मा ही सजा खाती है, आत्मा ही कर्म विकर्म करती है, ये शरीर कोई काम का नहीं है। तो मुख्य बात अपने को आत्मा समझना चाहिए, जो समझे बरोबर सब कुछ आत्मा करती है। अभी तुम सब आत्माओं को वापस जाना है, तभी ये ज्ञान मिलता है। फिर कभी यह ज्ञान मिलेगा नहीं। आत्मा अभिमानी सबको भाई भाई ही देखेंगे, जो आत्मा अभिमानी बनेंगे वो सबको भाई भाई ही देखेंगे। शरीर की बात नहीं रहती है, सोल बन गए फिर शरीर में लगाव नहीं रहेगा। इसलिए बाप कहते हैं ये बहुत ऊंची स्टेज है। बहन भाई में लटक पड़ते हैं तो बहुत डिसर्विस करते हैं। आत्म अभिमानी भव, इसमें ही मेहनत है। पढ़ाई में भी सब्जेक्ट होती है, समझते हैं हम इसमें फेल हो जाएंगे। फेल होने कारण फिर और सब्जेक्ट में भी ढीले हो पड़ते हैं। बाबा कहे हिम्मत व्यक्ति की टूटने लगती तो और सब्जेक्ट में भी ढीले हो पड़ते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा बुद्धि योग बल से सोने का बर्तन होती जाती है। योग नहीं तो नॉलेज भी कम है, योग नहीं तो नॉलेज भी कम व ताकत नहीं रहती। ताकत योग और ज्ञान में है। तो बाबा कहे अगर योग नहीं तो नॉलेज भी कम व ताकत नहीं रहती। योग का जौहर नहीं, यह है ड्रामा की नूंद। बाबा समझाते हैं बच्चों को अपनी अवस्था कितनी बढ़ानी चाहिए। देखना है हम आत्मा सारे दिन में कोई भी बेकायदे काम तो नहीं करते हैं। कोई भी ऐसी आदत हो तो फौरन छोड़ देना चाहिए, परंतु माया फिर भी दूसरे तीसरे दिन भूल करा देती है। ऐसी सूक्ष्म बातें चलती रहती है। यह है सब गुप्त ज्ञान। बाबा का ज्ञान धारण करना और गुप्त पुरुषार्थ उसके आधार पर करना, तो इसीलिए बाबा कहे ये सारा ज्ञान ही गुप्त है। मनुष्य क्या जाने, तुम बतलाते हो हम अपने ही खर्चे से अपने लिए सब कुछ करते हैं, दूसरों के खर्चे से कैसे बनाएंगे। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं मांगने से मरना भला। कल की मुरली में भी हमने यही सुना कि मांगने से मरना भला, सहज मिले सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी। मांग कर कोई से लेते हो तो वह लाचारी काशी कलवट खाकर देते हैं, मना इतना दुख दर्द से देते हैं तो वह पानी हो जाता है। खींच लिया वह रक्त बराबर। मांगने से मरना भला, सहज मिले सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी और खींच लिया वह रक्त बराबर। कहीं बहुत तंग करते हैं, कर्जा उठाते हैं तो वह रक्त समान हो जाता है। कर्जा लेने की कोई ऐसी दरकार नहीं है। दान देकर फिर वापस लिया, उस पर भी हरिश्चंद्र का मिसाल है। ऐसा भी मत करो, हिस्सा रख दो जो तुमको काम में आए। हमारी प्रकाशमणि दादी हमेशा जो भी गृहस्थी भाई बहने आते थे बट्टी के लिए, कोई कुमार या गृहस्थी आते थे तो उनको हमेशा ये बात सिखाती थी कि अपनी कमाई के चार हिस्से करो, एक हिस्सा बैंक में जमा करो, आने वाले समय में काम आएगा, दूसरा हिस्सा अपना रेगुलर खर्च के लिए रखो, तीसरा हिस्सा अगर किसी के ऊपर माता पिता की जिम्मेवारी है तो उन माता पिता की भी संभाल करो, और चौथा हिस्सा दान करो। तो हमेशा ये बात दादी जी जो भी गृहस्थी भाई बहने आते थे, कुमार आते थे, उनके लिए ये बात हमेशा कहती थी
तो इसीलिए बाबा भी कहे कि शास्त्रों में भी लिखा है हरिश्चंद्र का मिसाल, तो ऐसा भी मत करो, हिस्सा रख दो जो तुमको काम में भी आए। बच्चों को पुरुषार्थ इतना करना है जो अंत में बाप की ही याद हो और स्वदर्शन चक्र भी याद हो, तब प्राण तन से निकले, तभी चक्रवर्ती राजा बन सकेंगे, ऐसे नहीं पिछाड़ी में याद कर सकेंगे। उस समय ऐसी अवस्था हो जाएगी। बाबा कहे अंत में ऐसा अभ्यास करते जाए जो अंत में एक बाप की याद हो, स्वदर्शन चक्र भी याद हो, तब प्राण तन से निकले, तभी तुम चक्रवर्ती राजा बन सकेंगे। कितने सूक्ष्म बात बाबा समझाते हैं कि तभी तुम चक्रवर्ती राजा बन सकेंगे, ऐसे नहीं पिछाड़ी में याद कर सकेंगे। उस समय ऐसी अवस्था हो जाएगी, जरूरी नहीं कि पिछाड़ी में याद जरूर आए, नहीं, अभी से पुरुषार्थ करते करते उस अवस्था को अंत तक ठीक बनाना है। अभ्यास से ही तो अवस्था बनेगी, ऐसा न हो कि पिछाड़ी में वृत्ति कहां और तरफ चली जाए, याद करने से ही पाप कटते रहेंगे। तुम बच्चे जानते हो पवित्रता की बात में ही मेहनत है, पढ़ाई में इतनी मेहनत नहीं है, इस पर बच्चों का ध्यान अच्छा चाहिए। तब बाप कहते रोज अपने से पूछो, हमने कोई बेकायदे काम तो नहीं किया, नाम रूप में तो नहीं फंसता हूं, किसको देख लट्टू तो नहीं बनता हूं, कर्मेंद्रिय से कोई बेकायदे काम तो नहीं करता हूं, पुराने पतित शरीर से बिल्कुल लव नहीं होना चाहिए, वह भी देह अभिमान हो जाता है, अनासक्त हो रहना चाहिए, सच्चा प्यार एक से बाकी सबसे अनासक्त प्यार, भले बच्चे आदि है परंतु कोई में भी आसक्ति न हो, जानते हैं यह जो कुछ भी देखते हैं सब खत्म हो जाएगा, तो उनसे प्यार सारा निकल जाता है, एक में ही प्यार रहे बाकी नाम मात्र अनासक्त। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, अपनी वृत्ति को बहुत शुद्ध पवित्र बनाना है, कोई भी बेकायदे उल्टा काम नहीं करना है, बहुत बहुत खबरदार रहना है, बुद्धि कहां पर भी लटकानी नहीं है। दूसरी पॉइंट, सच्चा प्यार एक बाप में रखना है, बाकी सबसे अनासक्त नाम मात्र प्यार हो, आत्म अभिमानी स्टेज ऐसी बनानी है जो शरीर में भी लगाव न रहे। आज का बाप दादा का मधुर वरदान है, स्वराज्य के संस्कारों द्वारा भविष्य राज्य अधिकार प्राप्त करने वाली तकदीरवान आत्मा भव। स्वराज्य के संस्कार द्वारा भविष्य राज्य अधिकार प्राप्त करने वाली तकदीरवान आत्मा भव। बहुत काल के राज्य अधिकारी बनने के संस्कार बहुत काल भविष्य राज्य अधिकारी बनाएगा। बहुत काल के राज्य अधिकारी बनने के संस्कार बहुत काल भविष्य राज्य अधिकारी बनाएंगे। अगर बार बार वशीभूत होते हो, अधिकारी बनने के संस्कार नहीं है, तो राज्य अधिकारियों के राज्य में रहेंगे, राज्य भाग्य प्राप्त नहीं होगा, तो नॉलेज के दर्पण में अपनी तकदीर की सूरत को देखो। बहुत समय के अभ्यास द्वारा अपने विशेष सहयोगी कर्मचारी व राज्य कारोबारी साथियों को अपने अधिकार से चलाओ।
राजा बनो तब कहेंगे तकदीरवान आत्मा। आज का स्लोगन है सकाश देने की सेवा करने के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। सकाश देने की सेवा करने के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। अच्छा, ओम शांति।